सर्वना और दुर्भाग्य है कि आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के दिन आप लोग यहां सड़कों पर धरना पर बैठे हो। इससे बड़ा सर्वनाश की स्थिति किसी सरकार के लिए नहीं हो सकता है। ये दुर्भाग्य है सरकार का। हम राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी की ओर से आप लोगों के समर्थन में आए हैं और आप लोग जायज मांग के लिए यहां धरना पर बैठे हैं। हम इस बेशर्म सरकार से ये मांग करते हैं, निवेदन करते हैं कि कम से कम शिक्षकों पर दया कर दे। अगर सरकार शिक्षकों को और चिकित्सकों का भी मांग पूरा नहीं करती है तो इससे बड़ा संवेदनहीन सरकार हो नहीं सकता है। तो हम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी लगातार, आपको पता है, आप लोगों के समर्थन में सड़क से लेकर सदन तक बात मांग उठाते रहते हैं। आज भी हम आए हैं, हमारी पार्टी की ओर से, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की ओर से पूरा समर्थन है और जब तक आप लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दे दिया जाता है तब तक इस मांग को लेकर के हमारी पार्टी, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी आपके साथ ये बात तेजस्वी यादव जी सरकार से करेंगे। क्योंकि 3 महीना हो चुका है, अभी तक सरकार को पता है कि बिहार में बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है। अभी जो सरकार नया आंकड़ा लाई है इसमें और ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। सरकार को जहां रोजगार देना है वहां भी सरकार नानुकूल कर रही है। ये आखिर सरकार की नीयत पर, मंशा पर सवाल खड़े होते हैं, आखिर सरकार चाहती क्या है। इसलिए हम चाहते हैं, विपक्ष भी सरकार का अंग होता है, हम आपके मांग के समर्थन में हैं। अपनी ओर से, पार्टी की ओर से, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की ओर से भरपूर प्रयास किया जाएगा, हर संभव प्रयास किया जाएगा कि आप लोगों की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए। हमें जाना है एक टीवी के कार्यक्रम में, इसलिए हम आप लोगों को यहाँ पर शुभकामना दे रहे हैं। आप अपनी मांग को लेकर के यहाँ बैठे हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, सब लोगों को हम शुभकामना दे रहे हैं। आपकी मांग पूरी होगी, जल्द से जल्द आपकी नियुक्ति होगी, इसके लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। विपक्ष मांग करे सरकार से।